ये कार्यक्रम पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, मृत या जीवित, जगहों और या घटनाओं से समानता केवल संयोगात्मक है। इस कार्यक्रम का इरादा किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं, मान्यताओं या किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय को नाराज, अपमानित, बदनाम करना या चोट पहुंचाना या आहत करना नहीं है और किसी भी अंधविश्वासी मान्यताओं, काला जादू, तंत्र मंत्र और या जादू टोना का प्रचार करना नहीं है। श्रोताओं को अपने विवेक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। भारत देश की इस मिट्टी से जन्मी सैकड़ों जलधाराओं में से एक धारा कावेरी नदी की है, जो पुण्य के नाम से भी जानी जाती है। सैकड़ों सरिताओं की तरह यह भी युगों युगों से इस पावन धरती को सींचती आई है। इसकी धाराएं तब से हैं जब कुछ भी नहीं था, न राजा थे न प्रजा थी। इस पुण्य की जल तरंगों ने दक्षिण भारत की जाने कितनी कहानियां देखी, परंतु आज की ये कहानी कहानी नहीं बल्कि एक गाथा है जो पूरे भारतवर्ष में सदा सदा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है यशस्वी चोला साम्राज्य की, जिसके गौरवमयी राजवंश के बीच से इस नदी की धारा बहती थी। ये कहानी है तब की, जब राजगद्दी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुंदर चोला विराजमान थे और उनके दोनों यशस्वी पुत्र आदित्य चोला उत्तर में और अधिराज चोला दक्षिण में अपने पिता के स्तंभ बनकर खड़े थे। परंतु किसी कारणवश महाराज सुंदर चोला की तबीयत नासाज रहने लगी और मौका देखकर कुछ गिद्धों ने राजवंश के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। ऐसे षड्यंत्र जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही था। पर इस कहानी के मुख्य पात्र महाराज सुंदर चोला, आदित्य चोला या अधिराज चोला नहीं है। ये कहानी है आदित्य चोला के खास मित्र वल्लभार्यन की, जो आज कुंवर आदित्य के दिए ही एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए उनका राजदूत बनकर अपने घोड़े तेजस पर सवार निकल पड़ा था। पर यह काम इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अरे तेजस, मेरे घोड़े, मेरे मित्र, क्या हो गया तुम्हें? थक गए क्या? समझ गया, हमने इतनी दूरी तय कर ली बिना विश्राम किए, तुम्हें थकना तो था ही, पर कोई बात नहीं, हम नगर के करीबी हैं तो हमें जल्द ही विश्राम करने का अवसर भी मिलेगा। अरे वाह, जरा इस खूबसूरत झील को तो देखो। वाह, ये झील कितनी विशाल है और आज तो आड़ी पिरक भी है ना, वर्षा ऋतु का उत्सव। आज ही के दिन तो सारी झीलें और नदियां जैसे सागर बन जाती हैं। आओ तेजस, थोड़ा और पास चले, सामने गांव वाले त्योहार मनाते हुए भी दिख जाएंगे। चलो। अद्भुत, सचमुच क्या अद्भुत दृश्य है। जी तो करता है बस यहीं रुककर इस सुंदर दृश्य को देखता रहूं। जरा देखो तो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो झील की लहरें उछलकर हमारा स्वागत कर रही हो। सचमुच अद्भुत है ये दृश्य। खैर, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। राजकुमार आदित्य ने कड़े शब्दों में कहा है ध्यान ना भटकाने को। चलो तेजस, हमारी किस्मत में ये सौंदर्य है ही नहीं शायद। देखा तेजस, मैंने कहा था ना, आज के दिन लोग त्योहार मनाते हैं। आनंद में डूबे उन चेहरों को देखो तो, स्त्री पुरुष सब कितने उल्लास में नाच गा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, सब उत्सव के रंग में रंग गए हैं। चलो ये दृश्य निकट से देखते हैं। अरे तेजस, क्या हुआ? मैं सचमुच त्योहार देखने जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, तुम ना कुंवर आदित्य की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे वो राजकुमार है चोला साम्राज्य का, तो क्या कुछ भी कहेगा।
मैं वहाँ खूबसूरत सुंदरियों को निहारने थोड़ी जा रहा हूँ। ये कुंवर आदित्य भी ना कुछ भी सोचते हैं मेरे बारे में, भला मेरे जैसा जीव स्त्रियों की सुंदर काया और यौवन देख के ऐसे ही पिघल जाएगा क्या? देखा तेजस, कितना खूबसूरत है सब कुछ। हाँ माना कि स्त्रियां भी सुंदर हैं, पर मैं तो बस उत्सव को निहार रहा हूँ, उनको नहीं। ना बिल्कुल नहीं। सुनिए कुमार। हाँ कहो रूपसी, भला मैं आप जैसी मेनका समान सुंदर युवती की क्या सहायता कर सकता हूँ? वैसे मैं यदि आपसे बात करते हुए इस घोड़े से गिर पड़ू ना तो चौंकिएगा मत। अब आप पूछेंगी क्यों? पूछिए पूछिए, अरे पूछिए ना, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। असल में आप स्वयं को देखिए ना, कमल जैसी आंखों में 100-100 तारों जैसी चमक, होठों पर लाली, कानों में पाली, हाथों में थाली, कलाई में कंगन, काया से महकता चंदन, तो भला कैसे संभले ये रघुनंदन? मेरा मतलब था कि जी कहिए। जी वो आपको देखकर लगता है आप लंबी दूरी से यात्रा करके आ रहे हैं, थक गए होंगे ना? बहुत, इतना कि अब इस मन को अन की नहीं आपके तन। मतलब मैं और मेरा घोड़ा तेजस, हम दोनों बहुत थक गए हैं। तो आज तो अड़ पे रख है, हमारे साथ आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें? क्या आप अपनी सखियों की बात कर रही हैं या बस अपनी? मेरा मतलब था मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना, हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? और आज का प्रसाद तो प्रसिद्ध कूटान चोर होता है ना, अद्भुत। मैं प्रसाद बिल्कुल ग्रहण करूंगा, और कैसे ना करूं, आखिर आपने हमें आमंत्रित किया है। हाँ मैं, क्या आप अपने घोड़े की भी बात कर रहे हैं या फिर बस स्वयं की? ओह, देखा, हमने कहा था ना, आपके इस रूप ने हमें आपके प्रेम में गिरा ही दिया। हमारे पीछे आइए। बस तेजस बस, अरे प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूँ, वैसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, तुम भी रास्ते में सुंदर सुंदर घोड़ियों को देखते हुए आए हो ना, तब मैंने कुछ कहा? अब चलो जाने दो मुझे। बस अभी आया। कृपया यहाँ बैठिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आशा है आपको अच्छा लगेगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बैठिए ना हमारे साथ। जी जरूर, बस अभी। अरे ये शोर कैसा, अभी तो सब नाच गा रहे थे। क्षमा कीजिए, हमें रास्ता छोड़ना होगा। अरे सुनिए तो यार, नाम तो पूछा ही नहीं, अरे जो भी नाम है आपका जरा सुनिए तो। कमाल है, अभी तो सब नाच गा रहे थे, अचानक क्या हो गया जो इतनी भागा दौड़ी मच गई, जाके देखता हूँ। अरे ये आवाज है, ये सब क्या हो रहा है आखिर? अरे चलो चलो, रास्ता खाली करो, चलो सब कुछ हटाओ सामने से, चलो चलो जल्दी करो, रास्ता खाली करो, चलो। ये हाँ, ये 7-8 इतनी विशाल नावें हमारी ओर क्यों बड़ी चली आ रही हैं? क्या इसी कारण से ये लोग रास्ता खाली करवा रहे हैं? क्या कोई राज परिवार आने वाला है? पता लगाना होगा, और पता नहीं वो सुंदरी कहाँ चली गई, होती अभी दोस्त से पूछता कि ये सब क्या हो रहा है। अरे वो रही, अरे सुनिए, अरे जरा सुनिए तो। अरे आप क्षमा करें, हमें आपको प्रसाद के बीच में ही छोड़कर आना पड़ा, पर ये काम इतना आवश्यक है कि। पर ये सब हो क्या रहा है, अभी तो सब आनंद से नाच गा रहे थे, और अभी इनके आदेश पर सबके सब भागे जा रहे हैं, और वो नावें किसकी हैं?
क्या इन सैनिकों को नाव वालों ने भेजा है? और सबसे चकित कर देने वाली बात तो ये है कि लोग उनका आदेश भी मान रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आप क्या इन्हें पहचानते नहीं हैं? उन नावों के ऊपर फहराते ध्वज को देखकर बताइए आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? ये तो ताड़ के पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है। तो क्या आपको पता नहीं ये ताड़ का पेड़ नागराजन वंश का चिन्ह है? क्या? तो क्या उस नाव में सचमुच महान योद्धा वीर नागेंद्र नागराजन है? और नहीं तो क्या, इस पूरे साम्राज्य में इतना साहस किसमें हो सकता है कि अपनी ध्वज पर ताड़ के पेड़ का चिन्ह लगा सके? अद्भुत। पर नागराजन तो दो भाई है ना? और दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है, इनका युद्ध कौशल तो आप जानते ही होंगे। हाँ, पर फिर भी अपना स्वयं का ध्वज, ऐसा कैसे संभव है? नागराजन परिवार तब से इस भूमि की सेवा कर रहा है जब से चोला राजवंश जन्मा। शायद इसीलिए इस चोला साम्राज्य में बस इसी राज परिवार को अपना खुद का ध्वज लहराने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ये बात है। वैसे दोनों भाइयों में ज्यादा मशहूर तो नागेंद्र नागराजन है ना? बिल्कुल, लगातार 24 युद्धों में जीत को प्राप्त की है इन्होंने, और इनकी पहुँच वो तो खैर बहुत ही ऊँची है। ऊंची पहुंच से तुम्हारा क्या मतलब है? जब से महाराज सुंदर चोला अस्वस्थ रहने लगे हैं, राज्य का सारा कारोबार नागेंद्र नागराजन ही देखते हैं। तो मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो? दूसरे शब्दों में ये कि चोला साम्राज्य में महाराजा सुंदर चोला के बाद कोई है तो वो नागेंद्र नागराजन ही है। समझ गया। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की। नागेंद्र नागराजन के आने की खबर तो उछाल मारती नदी की जलधाराओं को तभी लग गई थी जब ताड़ के पेड़ की ध्वजा से सुसज्जित विशाल नावें पानी में उतर रही थी। उफनाती लहरें जैसे नागराजन के भय से थम गई और हवाओं ने अपना रुख मोड़कर नागराजन के विशाल कारवां को राह दे दी थी। तो जैसे ही अब उसका कारवां धीरे धीरे करीब आता जा रहा था, नदी तट पर उत्सव मनाने के लिए जमा हुए गांव वाले सब कुछ छोड़ छाड़ कर रास्ता खाली करने में लग गए थे। पर वल्लभारण के लिए उनका यह खौफ अभी तक सिर्फ एक पहेली ही था। हे भगवान, कारवां तो निकट आ चुका है, मैं भी क्या बातों में लग गई, क्षमा कीजिएगा पर मुझे अब जाना होगा। अरे पर, अरे सुनिए तो, ये अब नहीं लौटेगी। लगता है मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैं इस काफिले के बीच तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, और मेरा तेजस भी मेरी राह देख रहा होगा। तो वल्लभार्यन उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर वापस अपने घोड़े के पास लौट आया जिसे वो नदी तट से काफी दूर बांध आया था। मैं आ गया तेजस। वैसे तुम्हें तो ये जानकर खुशी होगी कि मुझे प्रसाद ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिला, पर हाँ, मैंने वीर नागराजन का कारवा जरूर देखा। जी तो कर रहा था कि जाकर एक झलक तो देख लूं उस वीर की जिसने पूरे 24 युद्धों में विजय पाई है, पर फिर कुंवर आदित्य की दी हुई चेतावनी याद आ जाती है। जब कुंवर आदित्य ने मुझे ये दो ताल पत्र दिए थे तो उसकी आंखों में डर था, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का भय हो।
जिस तरह से उन्होंने मुझे तालपत्र छुप छुपा के अपने पिता महाराज सुंदर चोला और बहन तक को पहुंचाने के लिए कहा, अवश्य कुछ तो विशेष है इसमें। चल भाई तेजस, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये नागराजन का कारवां रास्ते को घेर ले। क्या क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे हाँ, कुंवर आदित्य ने भी तो कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये ताल पत्र उन्होंने भिजवाए हैं, और मुझे किसी झगड़े में भी पढ़ने से मना किया था। अब क्या हुआ तेजस, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? अब क्या मैं फिर से कुछ भूल गया? ओ हाँ, ये मैं कैसे भूल गया, कुंवर आदित्य ने खास करके नागराजन भाइयों से बचकर रहने को कहा था। कहीं कुंवर आदित्य का संदेह नागराजन भाइयों पर ही तो नहीं है? क्या होने वाला है चोला साम्राज्य में? खैर, कदमपुर नजदीकी है, आज की रात शीश महल में रुक जाते हैं। क्यों तेजस, कल सुबह से फिर लंबी यात्रा पर चल पड़ना है हमें, चलो। पर वल्लभार्यन अभी कदमपुर की ओर बढ़ाए था कि अचानक उसने अपना घोड़ा रोक दिया और बड़े ध्यान से सामने के मार्ग को देखने लगा। हाँ जानता हूँ तेजस, तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने अचानक से तुम्हें रुकने का इशारा क्यों किया, पर तुम ही देखो ना इस दूसरी दिशा में जाते हुए मार्ग को, इतनी दूर से ही ये मेरा ध्यान ऐसे खींच रहा है कि जी करता है अभी उसी पार भागा चला जाऊं। सुंदर पहाड़, नदियां, क्या सौभाग्य है मेरा जो मैं इस विशाल चोला साम्राज्य का हिस्सा हूँ, पर अफसोस अभी तक मैंने इस खूबसूरत भूमि का हर हिस्सा नहीं देखा। हाँ हाँ समझ गया, जब देखो मेरा सपना तोड़ती रहते हो तुम। जानता हूँ मैं अभी एक राजदूत का काम कर रहा हूँ कुंवर आदित्य चोला के लिए, मैं ऐसे अपने मन को भटकने नहीं दे सकता। चलो फिर सूर्यास्त के पहले कदमपुर पहुँचते हैं, सुना है वो शहर भी बहुत सुंदर है, चलो जरा चलकर देखे तो कि इस नगर ने हमारे लिए क्या छुपा रखा है। तो बस वल्लभार्यन का घोड़ा तेजस कदमपुर की ओर दौड़ पड़ा, और जब वल्लभार्यन नगर में पहुंचा तब उसे समझ में आया कि इस नगर के खूबसूरती की इतनी चर्चा क्यों होती है। अद्भुत अद्भुत तेजस, अद्भुत, देख रहे हो ये महल कितने खूबसूरत हैं, और इनमें जलते हुए दीप तो इन्हें स्वप्नलोक जैसा बना रहे हैं, और ये सड़क देखो, हर मार्ग के दोनों ओर मशालें ऐसे जल रही हैं जैसे इस नगर को पहले से ही पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। अद्भुत, कितना सुंदर नज़ारा है, ढलती सांझ में दीपों से जगमगाते महल के सामने तो इंद्रलोक भी कुछ नहीं, अद्भुत है ये सचमुच। अरे ये आवाज़ें कैसी, लगता है कहीं लड़ाई हो रही है, जाकर देखता हूँ। अरे हाँ हाँ याद है मुझे, राजकुमार आदित्य ने लड़ाई झगड़ा करने से मना किया है, तुम चिंता मत करो मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा, बस मुझे जाके देखना है कि ये लड़ाई हो किस बात पे रही है। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ सड़क के किनारे पेड़ से बांध देता हूँ और बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है ना? हाँ बाबा जल्दी लौटूंगा। बस आता हूँ, ठीक है? झगड़ा तो लगता है कि बढ़ता ही जा रहा है, मुझे शीघ्र पहुंचना होगा। नीच कहीं का तू होगा, नीच जाहिल गंवार, शास्त्रों को पढ़ा नहीं और हमें ज्ञान देने चला है। अरे तुझे कौन से शास्त्रों का ज्ञान है, अपने प्रभु की तरह तू भी कायर है, कायर। नमो नमो नारायणे नमः, खबरदार जो मेरे आराध्य विष्णु पर एक और शब्द भी बोला तो क्या कर लेगा तू, तू जानता भी है मेरे प्रभु शिव की ताकत को। अरे भगवान विष्णु की बातें हो रही हैं और शिव जी की भी, ये किस तरह का झगड़ा है, मतलब ये दो लोग भगवान का नाम लेकर आखिर किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनता उनकी बातें। अपनी जगह को मत भूल तू, चुप कर अज्ञानी,
तू मेरे सर्वशक्तिमान शिव को नहीं जानता। शिव की शक्ति इतनी है कि तुम्हारे प्रिय प्रभु ने हमारे शिव के चरण और सर को ढूंढने के लिए पूरा ब्रह्मांड एक कर दिया था ताकि वो शिव को उठाकर नरक में डाल सके, पर जब उनकी हार हुई तो वही विष्णु मेरे महाशक्तिशाली शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ये है मेरे प्रभु की शक्ति। चुप हो जा मूर्ख, शायद तुझे नहीं पता कि लंकापति रावण को शिव के हाथों ही वरदान प्राप्त हुआ था और उसका अंत मेरे प्रभु विष्णु ने राम का अवतार लेकर किया था। तो अब तू बता कौन है श्रेष्ठ। तेरा ये साहस, तू मेरे प्रभु को नीचा दिखाता है। अगर साहस है तो आ जा मैदान में, कर मेरे साथ दो दो हाथ, हो जाएगा फैसला कि कौन है सर्वश्रेष्ठ। हाँ हाँ, मैं तुझसे डरता थोड़ी हूँ, विष्णु हमेशा शिव से श्रेष्ठ ही रहेंगे और विष्णु के भक्त भी। अरे बाप रे, बात तो हाथापाई तक आ गई। इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। क्या करूं क्या करूं, अगर इन्हें रोका नहीं तो ये तो खून खराबा कर देंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर राजकुमार आदित्य ने मना किया था झगड़े में पड़ने से। नहीं, कुछ तो करना ही होगा। सज्जनों सज्जनों, तनिक एक क्षण रुकिए। तू कौन है मूर्ख और हमारे बीच में क्यों आ रहा है? सज्जनों देखिए, मैं तो बस आप दोनों को ये समझाना चाह रहा था कि आपस में ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, वो भी भगवान के लिए। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, कोई भी उनमें श्रेष्ठ नहीं है। नमो नारायणे नमः। अरे मूर्ख, जा पहले ज्ञान लेके आ कहीं से, फिर हमसे बात करना। तुझे अभी संसार के बारे में कुछ नहीं पता। परंतु जो भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। अच्छा, सत्य है तो इसका प्रमाण क्या है? अरे इस बात का प्रमाण मैं खुद हूँ ना। तुम खुद? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि एक बार मुझे शिवजी ने स्वयं कैलाश पर्वत पर भोजन के लिए बुलाया था, परंतु जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि शिवजी के साथ स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी बैठे भोजन कर रहे थे, और उन्होंने भोजन करने के बाद मुझसे कहा कि हम तीनों एक ही हैं, ना कोई श्रेष्ठ ना सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों समान हैं। असंभव असंभव, अपनी बकवास बंद कर दे नादान बालक, वरना शिव का अपमान करने के लिए तुझे यहीं खड़े खड़े भस्म कर दूंगा। और मेरे भाइयों, उन तीनों ने मुझसे एक और भी बात कही थी। क्या बात? उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें अपने जीवन काल में कोई ऐसे मूर्ख मिले जो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करें तो उनके मुंह पर कीचड़ मल देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने मला। मुंह काला कर दो इन मूर्खों का भाइयों, जो हमारे देवों में भेद करते हैं, मल दो इनके मुंह कीचड़ से। ये कारवां तो इसी रास्ते पर चला आ रहा है, तो नागराजन भी कदमबुरी आने वाले थे। मुझे जल्दी से निकलना होगा इस रास्ते से। मैं नहीं चाहता कि नागेंद्र नागराजन के सैनिक मुझसे पूछताछ करें, पर ये इतनी भीड़ है कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। लगता है मुझे तेजस को अकेले ही छोड़ना पड़ेगा। अब काफिला निकल जाने के बाद ही उसके पास लौट पाऊंगा। नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की। क्या अद्भुत काफिला है,
इसे तो देख के शत्रु की आत्मा भी सिहर जाए। अद्भुत, हे ईश्वर, ये विशाल कायरथ 4 घोड़ों के साथ, तो क्या आप इसी में नागेंद्र नागराजन विराजमान है? अद्भुत, ये तो अद्भुत है। सोने से जड़ा हुआ रथ ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की पहली किरण से इसे सींचा गया हो। अद्भुत, अरे ये क्या, एक पालकी जान पड़ती है। क्या नागराजन अपनी पत्नी के साथ कदम्बुर पधारे हैं? वो पत्नी जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे साम्राज्य में हैं। जरा देखूं तो क्या है उन रेशमी पर्दों के पीछे, पर मुझे ख्याल रखना होगा कि कोई मुझे देख ना ले। हाँ, इस पेड़ के सामने खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। एक झलक दिख जाए बस, एक झलक, एक एक हाथ, एक हाथ दिखा। हे ईश्वर, इतना सुंदर, जैसे किसी महान शिल्पी ने संगमरमर को तराश कर किसी देवी की मूर्ति में ढाला हो। अद्भुत, जब हाथ इतने सुंदर हैं तो मुखड़ा तो, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैं जिस हाथ की सुंदरता में खोया हुआ था, अब वही हाथ मेरी ओर इशारा कर रहे हैं, और वो मेरी ओर इशारा करते हुए चीख भी रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया। कहीं उसे मेरी कमर में छिपे हुए तालपत्र तो नहीं दिख गए इन मशालों की रोशनी में? हे प्रभु, कहीं मैं फंस तो नहीं गया? अभी अभी वल्लभार्यन नागराजन के उस कारवां को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी उसी कारवां के बीच से एक पालकी से एक चीखने की आवाज आई। कहीं उस चीख की वजह वल्लभार्यन ही तो नहीं था? कहीं उसे पहचान तो नहीं लिया गया था? क्या उसका सफर यहीं खत्म होने वाला था? क्या करूं, भाग जाऊं क्या? सबके सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। अगर यहां फंस गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? एक मिनट, इनकी नजरें तो मेरी तरफ है पर शायद मुझ पर नहीं है। तो फिर ये कहां देख रहे हैं, और वो चीख किसे देखकर निकली थी? मेरे पीछे तो केवल एक पेड़ है। हाँ, कहीं कोई इस पेड़ पर ही तो नहीं चढ़ा हुआ है। देखता हूं। अरे, ये तो वही विष्णु भक्त है जो अभी लड़ाई कर रहा था और जिसके मुंह पे सबने कीचड़ मला था। तो ये बात थी, इसकी शक्ल देखकर लोगों की चीख निकली थी। शुक्र है, मुझे तो लगा कि मैं फंस गया। काफिला खत्म होने लगा है, भीड़ भी अब उतनी नहीं रही है। मुझे भी निकलना चाहिए, तेजस मेरा कब से इंतजार कर रहा होगा। निकलता हूँ। हाँ, अरे ये नागराजन के सैनिक मेरे तेजस के आसपास क्या कर रहे हैं? अरे बड़ा सुंदर घोड़ा है, किसका है ये? अरे पर आसपास तो कोई नहीं दिखता। ए घोड़े, तेरा मालिक कहाँ है? लगता है आसपास नहीं है। अरे क्यों ना मैं तेरी सवारी करूं, देखूं तो तेरी गति कितनी है। लगता है इस घोड़े में ज्यादा ही गुरु है। नागेंद्र नागराज के सैनिक को अपनी सवारी करने से मना कर रहा है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। अभी तेरे पीठ पर ये भाला चुभोता हूँ, फिर देखता हूँ कितनी अकड़ दिखाता है तू। अरे वाह, बर्दाश्त कर रहा है। अरे ये ले भाला, तेरी पीठ पर दोबारा। अरे ये तो भीगी बिल्ली के जैसे भागने लगा। अरे ओ घोड़े, भागता कहाँ है? तुम्हारी सवारी तो मैं हूँ। अब क्या तेरा पीछा करने आऊँ मैं, मूर्ख घोड़े कहीं के? वैसे भी मन भर गया मेरा, तू उतना खूबसूरत भी नहीं है, तेरे अंदर तो एक भीगी बिल्ली है।
काफिला आगे निकल चुका है, मुझे जाना चाहिए। उस घोड़े को तो मैं बाद में देख लूंगा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। जी तो चाहता है कि अभी के अभी अपनी तलवार निकालूं और काट डालूं इसका सर, पर नियति ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। बेचारा तेजस जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में। उसे इतना सताया गया और मैं उसकी मदद भी नहीं कर सका। नमो नारायणे नमः। कुमार, उस सैनिक को सबक क्यों नहीं सिखाते तुम? तुम्हें लोगों को सबक सिखाना काफी पसंद है ना? तुम तो वही हो ना विष्णु भक्त, मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। चले जाओ यहां से। तेजस, माफ कर देना मित्र, पर मैं चाहकर भी कुछ ना कर सका। शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं आई। नमो नारायणे नमः। तो ये तुम्हारा घोड़ा था, फिर तो तुम्हें उन सैनिकों को पक्का सबक सिखाना था। तुम फिर आ गए, मैंने कहा ना पीछा छोड़ दो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो तुम कहाँ जा रहे हो? सामने। और सामने कहाँ? जहन्नुम में, तुमसे क्या लेना देना। तुम राज परिवार के मालूम होते हो, तुम्हारी वेशभूषा और तुम्हारे बोलने का तरीका आम इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद, पर मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। क्या तुम शीश महल जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? वो तो मैं तुम्हें देख के ही समझ गया था। क्यों, ऐसा क्या है मुझ में? अरे मैंने कहा ना, तुम राज परिवार के मालूम होते हो और आज शीश महल में चोला साम्राज्य के सारे योद्धा एकत्रित हुए हैं। चोला साम्राज्य के योद्धा एकत्रित हुए हैं, पर क्यों? नारायण ही जाने। तो तुम जा रहे हो शीश महल? तुम्हें कोई धोखा हुआ है, मैं राज परिवार से नहीं हूँ। अपना नाम बताओ कुमार। वल्लभ आर्यन। अगर तुम शीश महल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? तुम्हें मुझे भी साथ लेकर चलना होगा। चिंता मत करो, मैं कह दूंगा सबसे कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। क्षमा करो मुझे, मुझे कोई शौक नहीं है किसी पागल को अपने साथ रखने का, और कृपया करके पीछा करना बंद कर दो मेरा अब। पीछा? मैं पीछा कहाँ कर रहा हूँ, तुम खुद मेरे साथ चले जा रहे हो। वो बस इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ का रास्ता नहीं मालूम है। तुम यहाँ पहली बार आए हो ना? कोई जान पहचान का है? कौन? मेरा मित्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय, राजा शंभुनाथ का बेटा? तो तुम उस इंसान को जानते हो जिसके पिता ने खुद इस शीश महल को बनवाया है। अद्भुत, अद्भुत। फिर तो तुम्हें शीश महल में जरूर ठहरना चाहिए। आज का भोज जबरदस्त होगा और कन्याएं नृत्य भी करती दिखेंगी। सोचूंगा। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो सामने मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर? हाँ, वीर नारायणन मंदिर। अरे वाह, इस मंदिर के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है, दर्शन करना तो बनता है। बिल्कुल, आ जाओ मेरे साथ। वीरा नारायणन मंदिर पहुंचने के बाद दोनों ने पूजा आरती की, और आरती के बाद दोनों मंदिर से निकलकर आगे बढ़ने लगे। मंदिर तो सच में खूबसूरत था, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा। वल्लभ आर्यन, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? काम? कैसा काम? नमो नारायणे नमः। वल्लभ आर्यन, तुम्हें नागराजन के काफिले की वो पालकी याद है जिसके अंदर एक खूबसूरत स्त्री बैठी थी? हम दोनों के सामने ही तो थी वो, याद है ना? तो तुम्हें बस ये चिट्ठी उस तक पहुंचानी है। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? तुमने मुझे किस तरह का इंसान समझ रखा है? मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पूछना मेरा फर्ज था। तुम काम को करना चाहो या ना चाहो वो तुम पर है। बस हाँ, इतना कहूंगा कि अगर तुमने आज मेरा साथ दिया होता तो भविष्य में मैं तुम्हारे काम आ सकता था। वैसे शीश महल का रास्ता आगे से बाईं ओर है। नमो नारायणे, जपो नारायणे, शुभ रात्रि। कर
कदंबूर में घुसते ही वल्लभार्यन का सामना पहले तो एक शिव भक्त और एक विष्णु भक्त से हुआ और फिर उसके कुछ ही पल बाद उसे फिर से नागराजन का कारवा मिल गया। बल्कि नागराजन के एक सिपाही ने तो दूर खड़े वल्लभार्यन के घोड़े तेजस को चोट भी पहुंचाई, पर वल्लभार्यन ये सब कुछ देखकर भी अपने क्रोध को पी जाने पर मजबूर था, तो बस वो तेजस को साथ लिए शीश महल की तरफ चल पड़ा। शीश महल का मार्ग सामने ही है, परंतु सूर्यास्त हो चुका है और जैसा उस विष्णु भक्त ने बताया, आज शीश महल में चोला साम्राज्य के विभिन्न योद्धा पधार रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मुझे महल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। खैर, यहां खड़े रहकर सोचने का वक्त नहीं है। चलो तेजस, पूरी गति से देखते हैं कि क्या होता है। हेलो, कहां घुसे चले जा रहे हो? कौन हो तुम? तो ये तरीका है तुम्हारा अपने मेहमानों का सत्कार करने का? मार्ग में भाला लिए खड़े होकर तुम हमारा इस प्रकार अनादर करोगे? किंतु मेहमान जी, आप हैं कौन? हमें तो कोई संदेश नहीं मिला कि सूर्यास्त के बाद भी कोई मेहमान पधारने वाला है। तो तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं हूँ वानर साम्राज्य का वंशराज, वही साम्राज्य जिसकी वीरता के गीत तुम्हारे पूर्वज गाया करते थे और उनका नाम अपनी छाती में लिए रणभूमि में उतर जाते थे। नाम मेरा वल्लभ आर्यन है। अद्भुत, एक दो शंखनाद भी कर दिया होता। और तुम्हारा कारवा कहाँ है? अरे देखू तो सही, वानर साम्राज्य के राजकुमार के यश को। अरे मैं तो भूल ही गया, कारवा कहाँ से मिलेगा? वानर साम्राज्य तो इतिहास में विलीन हो चुका है। और ये रह गया होगा बस बेचारा। अरे ये घोड़ा देखो तो इसे, ये तो वही घोड़ा है जो मुझे रास्ते में मिला था। अच्छा, तो ये इन महाशय का घोड़ा था। वैसे मेरी मानो तो तुम्हें इसे घोड़ा नहीं गधा कहना चाहिए। वानर साम्राज्य के वंशज की सवारी गधे की ही होनी चाहिए, घोड़े की नहीं। घोड़े की रस्सी छोड़ो, मैं वापस लौट रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे ये क्या हुआ? अचानक मानो बिजली सी कौंधी हो, हमारे सारे द्वारपाल जमीन पर गिर पड़े हैं इतनी तेजी हैं? मेरी आंखें देख भी नहीं सकी कि कब उसने अपनी तलवार निकाली और हम सबको एक पल में जमीन पर गिरा दिया। असंभव, परंतु वो गया कहाँ? ये क्या, मुख्य द्वार खुला हुआ है, इसका मतलब वो शीश महल के मुख्य द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। सैनिकों उठो, वो शीश महल में प्रवेश कर गया है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, 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 पकड़ो। ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, क्या करूं? इनको हराने में मुझे वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चाहे ये 50 हो या फिर 100। परंतु कुंवर आदित्य ने ऐसा कदम उठाने से मना किया था मुझे, सबके सब मेरे पीछे भागे चले आ रहे हैं। काश मैं इन्हें कुंवर आदित्य का तालपत्र दिखा पाता, फिर तो कोई भी मुझे पूरे चोला साम्राज्य में नहीं रोक पाता। पर अफसोस, ऐसा करना संभव नहीं है, क्या करूं? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। कार्तिके, कार्तिके, देखो तुम्हारे सैनिक मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कार्तिके, ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर कैसा है? कुंवर कार्तिके, शीश महल में एक घुसपैठिया घुस गया है। क्या मूर्खों, क्या कर रहे हो तुम लोग द्वार पर? एक घुसपैठिए को नहीं रोक सके? कुंवर वो, हटो सामने से, मुझे देखने दो आखिर मामला क्या है। जी कुंवर कार्तिके। कार्तिके, असंभव, क्या ये सच में? अरे मूर्खों,
चुप हो जाओ और अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। तुम जानते भी हो ये कौन है? शुक्र है कार्तिकेय, तुम आ गए। तुमने मुझसे इतनी दफा अपने महल आने को कहा, आज जब मैं आया तो मेरा ऐसा स्वागत? क्षमा करना मित्र, मूर्खों की सेना पाल रखी है हमने। जाओ सबके सब अपनी जगहों पर वापस। जी राजकुमार। वल्लभ आर्यन, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, ये सच में तुम हो? जाने कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं मैं। तुमने आने में थोड़ी देर और कर दी होती तो मुझे देख भी नहीं पाते तुम। ये सैनिक मुझे कच्चा चबा जाते। क्या मजाक कर रहे हो, इन जैसे हजार सैनिकों को तुम पल भर में हरा दो। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें महल दिखाता हूं। इतना कहकर कार्तिकेय अपने मित्र को शीश महल दिखाने लगा। अद्भुत, सचमुच अद्भुत है ये महल, कितना खूबसूरत है। जैसा तुमने बताया था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वैसे कार्तिकेय, ये तो बताओ, आज इतने सारे योद्धा इस शीश महल में क्यों पधारे हैं? अरे वो बातें बाद में, पहले तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। मिलवाना है? पर किससे? अरे मेरे पिताश्री, माँ, हर किसी से। तुम्हारे बारे में हर किसी को पता है। और वल्लभ आर्यन, अगर तुम्हारा सौभाग्य अच्छा रहा तो तुम उनसे भी मिल सकते हो जिनकी वीरता के गीत तुम गाया करते थे। कार्तिकेय, कहीं तुम नागेंद्र? बातें बाद में, आओ पहले पिताजी से मिल लो। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणाम पिताश्री, ये मेरा मित्र वल्लभ आर्यन है। याद है मैंने आपको अपने एक मित्र के बारे में बताया था जो वानर साम्राज्य का वंशज है? यही है वो, यहां मुझसे मिलने आया है। जी प्रणाम। तो वो तुम थे जिसके कारण इतना शोरगुल था। मित्र से मिलने का ये कैसा तरीका है तुम्हारा? पिताजी गलती इसकी नहीं है, गलती सैनिकों की है, वो इसे पहचान ही नहीं पाए। गलती सैनिकों की नहीं, वो अपने आदेश का पालन कर रहे थे। सूर्यास्त के बाद किसी को भी शीश महल के अंदर आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी साम्राज्य का वंशज हो। गलती तुम्हारे मित्र की है, सूर्यास्त के बाद ऐसे बिना आमंत्रण के पधारना। क्षमा चाहता हूं पिताश्री। माफ करना कार्तिकेय, मेरी वजह से तुम्हें अपने पिताश्री की डांट सुननी पड़ी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, पिताश्री बस थोड़े परेशान हैं। आज बड़े बड़े योद्धा जो बता रहे हैं उनके महल में। खैर आओ मैं तुम्हें अपनी माँ और बहन से मिलवाऊं। अच्छा, वही बहन जो बहुत खूबसूरत है और जिसका तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, अब चलो भी। अपने पिता शंभुनाथ से मिलवाने के बाद कार्तिकेय वल्लभ आर्यन को अपनी माँ और बाकी लोगों से मिलवाने के लिए ले गया। जहां से बाहर निकलने पर वल्लभ आर्यन के मन में दो प्रश्न थे। कार्तिकेय, जब तुमने कहा कि सबसे मिलवाता हूँ, मुझे लगा ही नहीं था तुम मुझे स्त्रियों की दुनिया के भीतर लेकर चले जाओगे। उस कक्ष में अनगिनत स्त्रियां हैं, मैं तो किसी को देख तक न सका अच्छे से। तुम्हें और किसी को देखने की क्या जरूरत, जब मेरी प्रिय बहन तुम्हारे सामने खड़ी थी। क्या पता एक दिन तुम इस परिवार के संबंधी बन जाओ। हाँ वैसे तुम्हारी बहन सुंदर तो है जैसा तुम बताया करते थे, पर दो बातें हैं जो मुझे जाननी थी। हाँ पूछो ना। पहली ये कि वो सारी स्त्रियां मुझे देखकर हंस क्यों रही थी, क्या मेरा पहनावा हंसने लायक है? और दूसरा सवाल, नागराजन की नई नवेली रानी कहाँ थी, वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। क्या सवाल किया है तुमने, इसका उत्तर एक ही जवाब में दे सकता हूं मैं तुम्हें, और वो ये है कि वो स्त्रियां तुम्हें ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी मां ने तो ये भी कहा कि तुम उन्हें भाग गए, परंतु उनके हंसने का एक और कारण था। और वो क्या था? वही जिसके बारे में तुमने मुझसे अभी अभी पूछा। अच्छा, नागराजन की नई नवेली रानी। हाँ, असल में ये कक्ष स्त्रियों के लिए ही बनवाया गया था। जब भी राजा महाराजा पधारते थे तो वो सारी स्त्रियां इसी कक्ष में रुका करती थी, परंतु नागराजन जी ने अपनी रानी के लिए अलग से कक्ष की मांग की। लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो अपनी नई नवेली रानी का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं,
जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ही लेकर जाते हैं, और इसीलिए लोग बातें भी बनाते हैं, जो कि जायज भी है। अब इस अधेड़ उम्र में कोई इतनी कम उम्र की स्त्री से विवाह रचाएगा, ये बातें तो बनेंगी ही। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे अच्छे से पता है ये बातें बनाने की असली वजह क्या है। और वो क्या? स्त्री मित्र, स्त्रियां बहुत जलनशील होती हैं। खुद से बेहतर स्त्री को देखकर उनके अंदर जलन की भावना खुद ही पैदा होने लगती है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की सावली स्त्रियों के सामने उस स्वर्ण रूपी बदन वाली अप्सरा का कोई जोड़ ही नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो, तनिक धीरे बोलो, किसी ने सुन भी लिया तो बेमौत मारे जाओगे। मैंने सुना है आज तक किसी ने भी नागराजन की रानी को देखा नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि उसका बदन सुनहरा है? क्योंकि मैंने उसे देखा था। क्या? पर कब, कैसे? आज जब नागराजन का कारवां शीश महल आ रहा था, तो मेरी नजर उस रेशमी पर्दे वाली पालकी पर पड़ी थी, जिसके अंदर एक सुनहरा हाथ था और सूरत मानो चांद का टुकड़ा। अद्भुत, तुम बहुत भाग्य वाले हो वल्लभ आर्यन। तो बताओ ना, कैसी है वो आखिर देखने में, और क्या लगा तुम्हें देखकर? कहां से होगी वो? जहां तक मुझे समझ आया, या तो वो कश्मीर से होगी, या फिर दूर कहीं मिस्र से, या फिर अरबी होगी, क्योंकि ऐसी सुंदरियां वैसे ही प्रांतों में पाई जाती हैं। अरे ये शोर कैसा? ये नाट्य नृत्य शुरू होने का संकेत है। नाट्य नृत्य? हाँ, एक नाटक रूपी नृत्य सारे राजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और अंत में भविष्यवाणी होगी। भविष्यवाणी? हाँ हाँ, हमारे गुरुजी के ऊपर स्वयं चंडिका देवी का आशीर्वाद है। वैसे तुम काफी थके हुए होगे, तो क्यों ना भोजन कर लो। अरे नहीं नहीं, मैंने ये नाट्य नृत्य आज तक नहीं देखा है, मुझे देखना है। और रही बात भोजन की, तो वो मैं उसके बाद ही कर लूंगा। जैसा तुम कहो, चलो फिर मेरे साथ। यहाँ तो सभी उपस्थित हैं, और तो और नागेंद्र नागराजन भी मौजूद हैं। हाँ और क्या। अब देखो प्रस्तुति शुरू होने वाली है। तो प्रस्तुति शुरू हो गई और सब नृत्य नाटिका का आनंद लेने लगे, पर तभी अचानक नृत्य थम गया और मृदंग की आवाज तेज हो गई। अरे ये नृत्य रुक क्यों गया और सब शांत क्यों हो गए? अभी तो सब वहां वही कर रहे थे, और ये बीच में बैठा इंसान कुछ करता क्यों नहीं है? शुरू से वहीं पर बैठा है। वही तो गुरुजी हैं, अब वो पूरी तरह माता चंडिका के वश में आ चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब देखते जाओ, पिताश्री उनसे प्रश्न पूछेंगे, ध्यान से सुनो। हे देवी चंडिका, माँ काली, महिषासुर मर्दिनी, तुझे हम सब का प्रणाम है। आज हमारे आंगन पधार कर तूने हम पर बड़ी कृपा बरसाई है। तेरे आने के उपरांत हम ये बलि तुझे सप्रेम भेंट करते हैं। इस बलि के खून की आहुति तुझे समर्पित है, बदले में हम तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना है, क्या पूछना चाहते हो शंभुनाथ? हे देवी माँ, हम सबको बता, क्या इस वर्ष बारिश होगी? क्या फसल अच्छी होगी? सब कुछ संभव है, बारिश, अच्छी फसल, परंतु माँ प्रसन्न नहीं है। माँ के दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई है। माँ क्या चाहती हैं? कृपया हमें बताएं, हम वो इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। माँ, माँ, माँ बलिदान चाहती है, बलिदान। बलिदान? कैसा बलिदान? क्या तू वो बलिदान दे पाएगा? हाँ हाँ अवश्य, हुक्म करें। राजा का बलिदान, उस राज परिवार के खून का बलिदान जो हजारों सालों से है, उसका बलिदान चाहिए।
राजाओं का खून, खून, हाँ खून। बस बहुत हो गया, ले जाओ इसे, ये आपा खो चुका है। जी महाराज, जो आ गया। अरे ये क्या हुआ अभी? और ये गुरुजी बेहोश होकर क्यों गिर पड़े? और क्या नाट्य नृत्य खत्म हो गया? और भविष्यवाणी का क्या? हाँ, कभी कभी हमारे गुरुजी आपे से बाहर हो जाते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम आओ मेरे साथ, भोजन कर लेते हैं हम दोनों, हमारे थाल सज चुके होंगे। हाँ, ये कुछ अजीब ही था, पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे भविष्यवाणी को बीच में जबरदस्ती रोका गया हो। और अरे ये तो विष्णु भक्त है, ये महल की दीवार पर क्यों लटका हुआ है, वो भी बाहर से? अरे वल्लभ आर्यन, आ भी जाओ, अब क्या सोचने लगे? हाँ, अरे अभी तो वही दीवार के ऊपर उसका सर दिखा था मुझे, अब नहीं है। क्या ये मेरा वहम था? शायद इतना थका होने के बाद जब ऐसी भविष्यवाणी देखूंगा तो किसी का भी दिमाग खराब हो ही जाएगा। हाँ भी जाओ, वहीं खड़े रहना है क्या तुम्हें अब? हाँ, बस आया। कार्तिकेय और वल्लभार्यन ने साथ में खाना खाया और फिर कार्तिकेय ने सबसे ऊपरी मंजिल के हवादार बरामदे में अपने मित्र के सोने की व्यवस्था कर दी। अद्भुत क्या दृश्य है यहाँ से, और आसमान भी क्या खूब दिख रहा है, पर मुझे नीचे दे दी होती सोने के लिए कोई भी जगह, इतना ऊपर आने की क्या जरूरत थी। अरे तो बगल का बिस्तर मेरा भी तो है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं कुछ देर में यही मिलता हूँ, फिर तुमसे कई सारी बातें करनी है। ठीक है। इतना कहकर कार्तिकेय लौट गया और वल्लभार्यन अपने बिस्तर पर लेटे हुए आसमान को देखते देखते कब नींद की गोद में चला गया उसे पता भी नहीं चला। और कुछ घंटे बाद उसकी नींद अचानक एक भयानक सपने से खुली। हे प्रभु, ये कैसा अजीब सपना था, माँ चरका खुद मेरे पीछे दौड़ रही थी मेरा बलिदान लेने के लिए, और भी ना जाने क्या क्या। शुक्र है कि बस सपना ही था। अरे बगल का बिस्तर तो खाली है, या तो कार्तिकेय अभी तक आया नहीं है या फिर वापस चला गया है। चांद देखकर तो लगता है कि मैं काफी देर तक सो गया था। और हाँ, ये किले की दीवार पर क्या है, कुछ सर की तरह दिख रहा है, उठकर देखता हूँ। हे प्रभु, ये तो विष्णु भक्त है, मतलब उस वक्त नाट्य नृत्य के बाद जो दिखा था वो मेरा वहम नहीं था, वो सचमुच विष्णु भक्ति था। इसकी ये मजाल मेरे मित्र के आंगन में ताक झांक कर रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहां गई मेरी तलवार? हाँ ये रही। खुद को विष्णु भक्त कहता है, फिर अन्य स्त्री को प्रेम पत्र देने को कहता है, और अब तो हद ही हो गई, किले की दीवार से ताक झांक कर रहा है, इस निर्लज्ज को तो मजा चखाना ही पड़ेगा।